हे गाइस, वेलकम टू स्पार्टन सब। सो आई होप गाइस अच्छे होंगे। सो गाइस, फ्रोस्ट टाउन का सेकेंड इवेंट आ चुका है, तो आज के वीडियो में कंप्लीट जो इवेंट है उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें आपको परमानेंट रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। तो जैसे आप देख पा रहे, फ्रोस्ट टाउन हम लोग का जो एक इवेंट सीरीज चल रहा था विंटर अपडेट का, सबसे पहला जो हॉलीडे डेकोरेशन है वो 10 तारीख को आ चुका है और 19 तारीख को ख़त्म हो जाएगा जो कि कल है, और हॉलीडे मार्केट आज आ चुका है जिसमें आप देख पा रहे 18 से ये इवेंट स्टार्ट होगा, 31 तक चलने वाला है, और लास्ट जो इवेंट है ये सीरीज का हॉलीडे गिफ्टिंग ये 31 को स्टार्ट होगा और 10th ऑफ जनवरी को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हॉलीडे मार्केट में हम लोग क्लिक करते हैं, और इसमें आप देख पा रहे हैं ये इवेंट का जो टाइम पीरियड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसके साथ साथ इसका कुछ रूल्स है, चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो स्टॉल आप देख पा रहे सब लेवल 1 दिख पा रहा है, टोटल आपको 6 स्टॉल दिख पा रहा है, तो बहुत ईजी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो आप देख पा रहे ये स्टॉल है हॉलीडे मार्केट है, तो अगर आप ऑफलाइन रहते ऑनलाइन रहते ये मार्केट चलते रहता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो मार्केट इसका कैपेसिटी है टोटल एक लेवल तक कॉइन जमा करने, जैसे कि आप देख पा रहे 96 में 30 कॉइन जमा हो चुका है, और 96 जैसे फुल हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली जो स्टॉल है ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको 96 से ज़्यादा कॉइन या आप उसे इससे ज़्यादा कॉइन कलेक्ट करना है, तो आपको ये जो स्टॉल है इसका लेवल को अप करना होगा। ये लेवल कैसे अप होगा चलो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्वेश्चन मार्क में क्लिक कर, जैसे कि आप देख पा रहे पहला पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ड्यूरिंग द इवेंट द स्टॉल ऑफ द मार्केट विल कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस विंटर कॉइन एट द सेम रेट वेदर द प्लेयर आर ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो जैसे कि पता है कि जो मार्केट में कंटिन्यूसली कॉइन प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये विंटर कॉइन है 30x96 आपको दिख पा रहा है, और अगर आप ऑफलाइन रहते हैं ऑनलाइन रहते उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली वो जनरेट होगा। ठीक है, प्लेयर कैन कंप्लीट अ डेली मिशन टू गेट अ बिल्डिंग मटेरियल विच कैन बी यूज टू अपग्रेड द स्टॉल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ विंटर कॉइन। तो जैसे कि बताया कि ये जितना भी स्टॉल है ये लेवल 1 का, अगर आपको इसका स्पीड बढ़ाना है विंटर कॉइन जल्दी जल्दी चाहिए तो आपको कुछ मटेरियल चाहिए, और ये जो स्टॉल इसको अपडेट करना हो, कैसे आपको मटेरियल मिलेगा तो उसके लिए आपको डेली मिशन जो है उसको कंप्लीट करना होगा। इधर आप देख पा रहे ऑप्टेन मटेरियल लिखा हुआ, इसमें हम लोग क्लिक करते हैं। इधर आप देख पा रहे लॉग इन इन टू द गेम, एक आपको मटेरियल मिलेगा और ये डेली रिफ्रेश होगा। ठीक है, उसके बाद आप एक क्लासिक मैच कंप्लीट करेंगे तो और एक मटेरियल मिलेगा, उसके बाद आप देखिए फिनिश इन द टॉप 10 2 टाइम इन क्लासिक मोड, 2 बार अगर आप टॉप 10 आते हैं क्लासिक मोड में तो आपको और मटेरियल मिलेगा, और सर्वाइव फॉर 60 मिनट इन क्लासिक मोड तो आपको और मिलेगा। तो ये सब मटेरियल को कलेक्ट करके आप स्टॉल को अपडेट कर सकते हैं। तो एक तो जैसे कि आप देख पर इसमें हम लोग क्लिक करते हैं तो अभी तो ये अपडेट नहीं होगा क्योंकि इसमें मटेरियल ही नहीं है, बट जैसे आप इसमें मटेरियल कलेक्ट करेंगे, जैसे कि आप देखो एक मटेरियल हम लोग को मिल चुका है जो फेरी व्हील है, ये अपडेट हो जाएगा क्योंकि इसका एक ही मटेरियल का रिक्वायरमेंट है। कहाँ गया, तो ये विंटर कॉइन मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसके बाद मैं आपको अपडेट करके दिखाता हूँ। देखिए विंटर कॉइन ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जा रहा है, और इसको हम लोग थोड़ा बहुत अपडेट कर लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाला आप देख पा रहे ये दो चीज़ आप अपडेट कर सकते हैं, फिलहाल आप फेरी व्हील को भी अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग फेरी व्हील को अपडेट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हम लोग का फेरी व्हील लेवल 2 हो गया है, और अभी 120 कॉइन ये कैप्चर कर सकता है, और बाकी सब आप देख रहे हैं 96। तो ऐसे करके आपको सबका लेवल को अपग्रेड करना होगा जिससे कॉइन जो है विंटर कॉइन वो आपको ज़्यादा मिले। चलो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि लेवल अप करेंगे तो आपको कॉइन ज़्यादा मिलेगा, कैपेसिटी भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अभी आप देख पा मार्केट अर्निंग 30 कॉइन पर आवर, तो एक घंटा में अभी 300 कॉइन ये अर्न करेगा। ठीक है, तो इसको और अपडेट करेंगे तो ये बढ़ते जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारा कॉइन मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपका मटेरियल के बारे में तो समझ में आ गया, इवेंट कंप्लीट करो ये सब मटेरियल से, ये सब जो स्टॉल है इसको अपडेट कर सकता है। चलो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है सर्वर प्रोग्रेस। तो इधर आप देख पा रहे 3.5 मिलियन आपको दिख पा रहा है, तो ये सर्वर वाइड आप बोल सकते इवेंट है जिसमें ऑल ओवर द सर्वर जैसे जैसे ये इवेंट बंदे लोग कंप्लीट करेंगे ये ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। 400 मिलियन में आपको 50 AG करेंसी मिलेगा, 1000 मिलियन होगा तो आपको सप्लाई क्रिएट कूपन मिलेगा एक, और 2000 मिलियन होगा तो आपको क्लासिक कूपन मिलेगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखिए अभी जस्ट कुछ देर पहले इवेंट चालू हुआ, 3.5 मिलियन हो चुका, तो ये ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, आपको जस्ट इसको कलेक्ट करना होगा और इसके लिए आपको मेहनत करने का जरूरत नहीं होगा, ऑटोमेटिकली ये होते रहेगा जैसे जैसे बंदे लोग खेलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं कि ये जो कॉइन आपको मिलेगा विंटर कॉइन इससे आप क्या कर सकते हैं। तो इवेंट शॉप में अगर आप क्लिक करेंगे तो इधर आप देख पा रहे इवेंट शॉप में परमानेंट ये सब रिवॉर्ड मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे 28,000 सिल्वर कॉइन या बोल सकते विंटर कॉइन होगा तो आपको ये आउटफिट मिल जाएगा,
और 20,000 होगा तो ये मिलेगा। और अकॉर्डिंगली आप देख पा रहे कि ये जो आउटफिट आप एक एक बार रिडीम कर सकते हैं, ये बूट भी, उसके बाद आप देख पा रहे जो पैरासूट या ग्लाइडर ट्रेल वो 10 बार आप रिडीम कर सकते हैं, सिल्वर या क्लासिक स्क्रैप आप 10 बार रिडीम कर सकते हैं, सप्लाई स्क्रैप भी 10 बार रिडीम कर सकते हैं, उसके साथ साथ एजी करेंसी भी आप 10 बार रिडीम कर सकते हैं 30-30 करके, और 500-500 करके 10 बार आप बीपी कॉइन भी रिडीम कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें था, और ये जो आउटफिट है ये परमानेंट है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ और एक चीज़ है जो कि स्नोमैन। तो बीच बीच में स्नोमैन खुश होकर आपको कुछ रिवॉर्ड देगा, जैसे कि इधर आप देख पर एक एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको दिखाई दे रहा है स्नोमैन में, जैसे क्लिक करेंगे तो इधर आप देख पर मिस्टर स्नोमैन हैड ट्रेवल डिसाइडिंग व्हाट टू ऑर्डर एज अ विंटर मोबाइल ऑफर टू मेनी ऑप्शन द कंसिडरेट ओनर लेट हिम टेल ऑल द सॉस मिस्टर स्नोमैन वॉज रियली ग्रेटफुल एंड लेफ्ट बिहाइंड सम प्रीसियस बीपी। तो क्या स्नोमैन खुशी से आपको बीच बीच में कुछ कॉइन उन देते रहेगा, ठीक है, वो चीज़ को आपको कलेक्ट करना होगा। तो आई होप गाइस कंप्लीट जो इवेंट हो समझ में आ गया, सिंपली स्टॉल सबको अपडेट किया, जल्दी जल्दी आपको कॉइन मिलेगा और ये कॉइन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अगर आप ऑफलाइन रहते हैं ऑनलाइन रहते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आप लेवल अप करेंगे तो ज़्यादा कॉइन वो स्टोर करेगा, जल्दी जल्दी बढ़ेगा और वो कॉइन सब परमानेंट रिवॉर्ड भी ले सकते हैं। और एक सर्वर वाइड भी इवेंट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, तो आपको ये सब स्क्रैप और एजी करने से मिल जाएगा। तो ये इवेंट में केवल इतना ही था, बस केवल आपको लेवल अप करना है और ऑटोमेटिकली वो कॉइन सबको कलेक्ट करना है, ठीक है, कलेक्ट करके आप रिडीम कर सकते हैं। तो इतना ही रखते हैं वीडियो को, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।